होना चाहिए, उद्देश्य है उसको जीतना होना चाहिए, उद्देश्य उस पर नियंत्रण स्थापित करना होना चाहिए, या उद्देश्य उसको सुधारना होना चाहिए। अगर आज आप उसको जीत लेते हैं, आज आप उसको कब्जे में कर लेते हैं, तो उसको कब्जे में बनाए रखने के लिए आपको जोर जबरदस्ती करनी पड़ेगी, आपको बंदूकें रखनी पड़ेंगी, तलवार भाले रखने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप एक बार उसको सुधार देते हैं, तो आपको किसी तलवार भाले चाकू छुरी बंदूक किसी चीज़ जरूरत नहीं पड़ेगी। जय भीम, नमो बुद्ध साथियों। नाही बेरेन बेरानी समंती द्वारा तनंग अवेरेन चय समंती ऐस धम्मो सनंतनो। यानी कि वैर से कभी वैर शांत नहीं होता, अवैर से ही वैर शांत होता है। तो ये जो बात है जो बुद्ध ने आज से 2600 साल पहले इस संसार के लोगों के लिए कही, कोई ऐसी बात नहीं है जो इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती है, ये इसी संसार की बात है। लेकिन इस संसार के लोग इस बात को जानते हैं, लेकिन इसको अमल नहीं करते हैं। इस संसार का ऐसा कौन सा प्राणी, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी भाषा का हो, किसी भी देश का हो, किसी भी काल का हो, कैसे इनकार कर सकेगा इस बात से कि वैर से कभी वैर शांत नहीं होता, अवैर से ही वैर शांत होता है। ये तो बहुत ही छोटी सी बात है, सिंपल सी बात है। लेकिन हम अपने व्यवहार में अगर देखें, हम अपने व्यवहार में इस सिद्धांत को कभी भी जगह नहीं देते। उदाहरण मैं कई बार दे चुका हूँ, फिर आज देता हूँ। आपको किसी ने गाली दी तो आपके दिमाग में एक पैटर्न सेट है, और आपका दिमाग तुरंत उसी पैटर्न के हिसाब से रिएक्ट करता है, तुरंत रिएक्शन आता है। जैसे ही किसी ने गाली दी, आपके मुँह से भी गाली निकलती है, तुरंत गाली निकलती है। और कई बार तो गाली नहीं, थप्पड़ घूंसे लात भी निकलते हैं। और जब ऐसा आप करते हो, तो जो सामने वाला जिसने आपको गाली दी है, उसका गाली देना बंद नहीं हो जाता, पलटकर वे भी गाली देता है। और अगर आपने लात घुसे चलाए, तो पलटकर वो भी लात घुसे चलाएगा। और इतना ही नहीं है कि यहीं पर बात समाप्त हो जाए, यह बात बढ़ते बढ़ते चाकू छुरी तक पहुंच जाती है, पिस्तौल तक पहुंच जाती है, तोप गोले। आज यूक्रेन और रूस का युद्ध हो रहा है, ये सब इसी बातों का नतीजा है कि लोग एक दूसरे को जीतना चाहते हैं, एक दूसरों पर नियंत्रण स्थापित करना चाहते हैं, उसको कब्जे में करना चाहते हैं। इन सब घटिया सोचों की वजह से आज पूरी विश्व की जो है शांति भंग हो रखी है, और आज दुनिया का हर आदमी जो है डरा और सहमा हुआ बैठा हुआ है। आज वो देख रहा है कि पता नहीं कब ये यूक्रेन और रूस का जो युद्ध है, पता नहीं कब ये विश्व युद्ध बदल जाए। और जब विश्व युद्ध की जो ज्वाला है, जब ये पूरी दुनिया भड़केगी, तो उसके प्रकोप से कौन बचेगा और कौन मरेगा, ये किसी को नहीं पता। किस देश का किस देश से युद्ध होगा, किस देश के अंदर कितने नागरिक मारे जाएंगे। यूक्रेन पूरा तबाह हुआ पड़ा है, पूरी दुनिया के सामने है। रूस जिसने यूक्रेन के ऊपर हमला किया है, वो ऐसा नहीं है कि वो सुरक्षित है, वो भी तबाह हो रहा है। लेकिन ये तबाही केवल और केवल कुछ मानसिक बीमारियों के कारण है। तो जैसा कि मैंने बताया कि कोई भी व्यक्ति जब कोई गाली देता है आपको, तो आपका तुरंत से रिएक्शन होता है कि उसको पलटकर गाली देनी है, आपका तुरंत से रिएक्शन होता है कि उसको मारना पीटना है, उसका अंत कर देना है। लेकिन उससे वह शांत नहीं होता। उद्देश्य क्या होना चाहिए? उद्देश्य है उसको जीतना होना चाहिए, उद्देश्य उस पर नियंत्रण स्थापित करना होना चाहिए, या उद्देश्य उसको सुधारना होना चाहिए। अगर आज आप उसको जीत लेते हैं, आज आप उसको कब्जे में कर लेते हैं, तो उसको कब्जे में बनाए रखने के लिए आपको जोर जबरदस्ती करनी पड़ेगी, आपको बंदूकें रखनी पड़ेंगी, तलवार भाले रखने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप एक बार उसको सुधार देते हैं, तो आपको किसी तलवार भाले चाकू छुरी बंदूक किसी चीज़ जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर कभी आपको जो है उस गाली का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो कौन सी स्थिति अच्छी है? आपको सुधार की तरफ बढ़ना चाहिए, जो कि परमानेंट सॉल्यूशन है, स्थायी समाधान है किसी भी समस्या का, या आपको उस समस्या को बढ़ाने तरफ बढ़ना चाहिए, और जो आपका रिएक्शन में जो पहले से ही सेट है, जैसे कि हमें कहीं भी खुजली होती है, तो हमारे दिमाग में पहले से ही सेट है कि खुजाना है। हम ये नहीं सोचते हैं कि उस वो खुजाए बगैर भी क्या हम रह सकते हैं, क्या हम अपनी कभी क्षमता की जांच करते हैं। हम कभी भी अपनी क्षमताओं की जाँच नहीं करते हैं और तुरंत खुजाने लगते हैं। तो इसी तरह से हर चीज़ लगभग, आप ये देखिए कि आपके जो 99% जो डेली के जो काम हैं, वो आपके दिमाग में सेट हैं, और आपका दिमाग तुरंत से उसी तरह से रिएक्ट कर देता है।
वो एक सेकंड भी नहीं लगाता आपको किसी भी काम करने में, रिएक्ट करने में जो है। तो इसीलिए आपको ये समझना होगा, जानना होगा और बुद्ध के इस मूल्यवान सिद्धांत को समझकर कि वैर से कभी वैर शांत नहीं होता, अवैर से ही वैर शांत होता है। तो अब जब भी कोई आपको गाली दे तो आप प्रयास कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आज हमने डिस्कस कर लिया है कि ना ही वेरेन वेरान स्मृतरंग अवेरेन चय समन्ती एस धमु सनतनो, तो अब इसके बाद गालियाँ ख़त्म। अब कोई भी आपको गाली देगा तो अब आप साधु संत बन गए हैं और अब आप जो है आपका पूरा नियंत्रण स्थापित हो गया अपने इंद्रियों पर और अब आप जो है पलट कर कभी किसी को गाली देंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है साथियों। ये बहुत ही लंबा प्रोसेस है। मन को नियंत्रण करना इस दुनिया का सबसे दुष्कर कार्य है। जिसने अपने मन को जीत लिया उसने पूरे ब्रह्मांड को जीत लिया, ये मान लीजिए। जिसने अपने मन को जीत लिया वो अपने मन को जीतने के बाद वो क्या कर सकता है आप उसे कल्पना भी नहीं कर सकते हो। तो इसीलिए हम अपने मन को पूरी तरह से जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे ये तो हम नहीं जानते हैं और बहुत ही असंभव सा टास्क हमारे लिए हो सकता है, क्योंकि हम जिस परिवेश में, जिस वातावरण में और जिस मानसिक दशा में हम जी रहे हैं वो मानसिक दशा इतनी प्रदूषित है, इतनी दूषित है कि उसमें ऐसी संभावनाओं का होना बहुत ही अजीब लगता है, मुझे अजीब लग रहा है। लेकिन हम ये कोशिश कर सकते हैं, हम एक ये प्रचार कर सकते हैं कि भाई जब भी आपको कोई गाली दे तो आप थोड़ा सा रुकिए, थोड़ा सा सोचिए। हो सकता है कि पहली बार में आप कामयाब ना हो, लेकिन कम से कम जब आपका आपके साथ में वो घटना घट जाए, आपको किसी ने गाली दी, आपने भी किसी को गाली दी, चले ठीक होगा बाद में, कुछ देर बाद वो मामला शांत होगा, उसके बाद आपको सोचना पड़ेगा कि जो उसने आपको गाली दी तो आपके मन के भीतर क्या चला, आप क्या उसको नियंत्रित कर सकते थे या नहीं कर सकते थे, उसकी गाली का आपके जीवन पर, आपके जीवन के हिस्से पर कितना प्रभाव पड़ रहा था, किस प्रकार पड़ रहा था, आपके मन में क्या चलने लगा। तो जो चल रहा था वो कितना फ़ायदेमंद था और कितना नुकसानदायक था। जो चल रहा था अगर वो नहीं चलता और वो गाली को अगर सहन कर लिया था तो आपका उससे क्या बन रहा था और क्या बिगड़ रहा था, इन सभी बातों पर जब आप चर्चा करेंगे तब अगली बार गाली सुनने के लिए आप तैयार हो पाएंगे। गाली सुनने का अभ्यास भी करना बहुत मुश्किल काम है, इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि जिस गाली, जिस तरह से मैं बात कर रहा हूँ आपसे ये तो बहुत ही सामान्य सी बात है, ऐसे कोई गाली नहीं देता है। गाली देने के जो हाव भाव होते हैं बहुत ही वायलेंट होते हैं और उस जो हाव भाव होते हैं, जो वो दशा होती है, उसमें कोई भी आदमी जो है अपने आप को संयमित नहीं रख पाता। लेकिन साथियों अगर ये संसार में हमें शांति की स्थापना करनी है, भाईचारे को कायम करना है, तो हमें ये प्रयास तो करने पड़ेंगे। हमें दूसरों को सुधारने की तरफ बढ़ना पड़ेगा, हमें दूसरों को सुधारने की दिशा में बढ़ना पड़ेगा। हमें किसी को बिगाड़ना नहीं है, हमें जो गाली दे रहा है उसके अंदर और गालियाँ बढ़ें, उसके अंदर और क्रोध बढ़े, उसका और मानसिक विकार उसके अंदर पनपें, हमें ये सब काम नहीं करना है। बल्कि हमें ये काम करना है कि हम किस तरह से अपने कितने प्रयास कर सकते हैं दूसरों को समझाने में, सुधारने में। और दूसरे जब ही सुधरेंगे जब पहले हम सुधरेंगे, यानी कि सबसे पहला कदम ये होगा कि जब आपको कोई गाली दे तो आप गाली नहीं देंगे, ये पहला कदम है। अगर आप यहाँ पर कामयाब हो गए, बेशक दूसरे को आप कुछ कह पाए या नहीं कह पाए, समझा पाए या नहीं समझा पाए, ये मायने नहीं रखता। लेकिन अगर आपने इतना कर लिया कि आपने खुद गाली नहीं दी, आप सब कुछ कड़वा घूट पीकर समझ गए, झेल गए उसको, पी गए उसको जो है, तो समझ लीजिए आपका पहला कदम जो है सफल हो गया। और कई बार जो है ऐसा सोचा जाता है, समझा जाता है, और जो लोग देखेंगे कि एक आदमी गाली दे रहा है और आप चुप खड़े हो गए हैं, आपने रिएक्ट नहीं किया है, तो उसका कोई भी कुछ भी अर्थ लगा सकता है। कोई कह सकता है कि आप जो है कायर हो, आपने जवाब नहीं दिया। ये कायरता जब कायरता हो जाती है जब सामने वाले ने गाली दी और आपने सिर्फ चुप रह गए, आपने उससे पूछा नहीं। आप हाथ जोड़ लीजिए और उससे पूछिए कि भाई साहब मुझसे क्या गलती हुई है जो आपने मुझे गाली दी। अगर आप इतना कर लेते तो आप कायर नहीं है, और इतना नहीं करते हैं और बस चुप होकर और सहमे सहमे से होकर वहाँ से चल देते हैं, तो इसका मतलब यही है कि फिर कायरता है। तो साथियों मैं ये समझता हूँ कि ये जो हम बातें कर रहे हैं अभी, ये व्यवहारिकता में लाने के लिए बहुत ही दुष्कर हैं, कठिन हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इतनी इम्पॉसिबल या इतनी असंभव बातें नहीं हैं कि जो नहीं किया सकती हों। भगवान बुद्ध ने पूर्ण तरह नियंत्रण स्थापित करके और बहुत से लोगों को इस बात के लिए प्रेरित कर कर उन लोगों ने भी इन अपने मंत्र पर नियंत्रण किया और बहुत सारी गालियाँ सुनी हैं, बहुत क्रोध सहन किया है, और तभी वे महामानव बन पाए हैं। तो साथियों हमें महामानव बनना है, मैं इसके लिए नहीं कर रहा हूँ, बल्कि हमें
शांति चाहिए, हमें सुख चाहिए, हमें समृद्धि चाहिए, हमें एक ऐसा शांत माहौल चाहिए जिसमें हम और हमारे बच्चे, ये पूरा संसार सुखमय जीवन बिता सके। जय भीम, नमो बुद्धाय।